हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज इस वीडियो में भैया हम वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट 2D ट्रांसफॉर्मेशन की एक टेक्निक जिसका नाम है 2D ट्रांसलेशन, इसको जानने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं। तो यहाँ पे ये ट्रांसलेशन शब्द का क्या मीनिंग निकल के आता है, क्या ये वही मतलब है ट्रांसलेशन का जो अपने दिमाग में है, यानी कि अगर कोई भाषा अपने को समझ में नहीं आ रही तो अपन ट्रांसलेट करते हैं उसको अपनी भाषा में जो अपने को समझ में आती है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर अन्यांग हासेयो, समझ में आया आपको, ये कोरियन शब्द है जिसका मतलब होता है हेलो। अब ये ट्रांसलेशन हुआ जो जिसका मतलब अपने दिमाग में है कि हाँ ये ट्रांसलेशन होता है भाई, लेकिन यहाँ पे अलग है। इन कंप्यूटर ग्राफिक्स दिस ट्रांसलेशन मीन्स समथिंग डिफरेंट। इट इज़ वन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक जिसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि रीपोजिशन करना। क्या करना? रीपोजिशन करना। किसको रीपोजिशन करना? कोई पॉलीगॉन होगा भैया उसको रीपोजिशन कर दो, कोई लाइन होगी उसको रीपोजिशन कर दो, कोई पॉइंट होगा उसको रीपोजिशन कर दो। और ये सारा जो मामला हो रहा होता है ये 2D प्लेन पे हो रहा होता है, इसीलिए अपन इसको ऑल टुगेदर बोलते हैं 2D ट्रांसलेशन। बराबर है? जैसे कि यार ये देखो, ये मेरा एक पहला डायमेंशन और ये मेरा दूसरा डायमेंशन। तो अभी जो भी कार्यक्रम होने वाला है, जो भी अपना रीपोजिशनिंग का मामला होने वाला है, वो यही इन दो डायमेंशन के बीच में, लेट्स से ये मेरा एक्स एक्सिस और ये मेरा वाई एक्सिस, कुछ इस तरीके से। बराबर है? अब यहाँ पे अपन एग्जाम्पल के तौर पे इस 2D प्लेन पे एक पॉइंट लेते हैं, लेट्स कंसिडर दिस पॉइंट, ओके। और यहाँ पे इसकी जो पोजिशन है x, y, तो अपने को इसकी ओरिजिनल पोजिशन पता है, ये है उसके कोऑर्डिनेट्स x, y। अब अपने को क्या करना है, इसको रीपोजिशन करना है, यहां से उठाना है और कहीं और रखना है इस 2D प्लेन पे। लेट्स कंसिडर यहां मुझे उसे उठा के रखना है जिसका पोजिशन x, y, कुछ इस तरीके से है। सिंपल है? बराबर है? यहां से उठाओ और यहां पे रखो, ये अपना ट्रांसलेशन 2D ट्रांसलेशन हो गया। अब यहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा सवाल आप सबके दिमाग में उठ रहा होगा कि भाई ये जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है अपने पॉइंट की, उसे यहाँ से यहाँ रीपोजिशन कैसे किया जा सकता है, जो कि अपनी स्पेसिफाइड पोजीशन है x, y, कैसे इस पॉइंट को यहाँ पे रीपोजिशन किया जा सकता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या पता होना चाहिए हमें। तो इसके लिए भैया सिर्फ हमें अंतर यानी डिस्टेंस जो है ये पॉइंट्स के बीच का, ये पता होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कैसे पता लगाएंगे वो मैं जरा अभी आपको बड़ा आसान करके बताता हूँ। तो देखो यार, ये सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वाई एक्सिस की मदद लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है इसे अपन बोलते हैं लेट्स से TY। बराबर है? ये दो पॉइंट्स के बीच का जो यहाँ पे अंतर है मुझे यहाँ पे मिल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, TY मिल गया। सिमिलरली अपन यही फंडा जो है परफॉर्म करने वाले हैं एक्स के साथ। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है TX मिल गया, सही बात है। अब इन दोनों का क्या किया जाए, ये क्या करना चाहिए अपने को इसका, ये अभी जरा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे लेट्स कंसिडर x डैश, मुझे x डैश तक पहुँचना है, तो वो मुझे कैसे पहुँच पाऊँगा। सिंपल सी बात है, सबसे पहले मैं यहाँ पे x, मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू होगी, उसमें मैं ऐड कर दूंगा TX, सही बात है? सिंपल सी बात है, मतलब अगर मुझे यहाँ तक पहुँचना है x डैश तक फ्रॉम दिस ओरिजिनल पोजिशन, तो मुझे इतना जो डिस्टेंस है वो कवर करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, मैं अभी ये बात कर रहा हूँ। सो x डैश इक्वल टू x दैट इज ओरिजिनल प्लस द डिस्टेंस दैट यू हैव टू ट्रैवल, मतलब यहाँ से यहाँ तक TX, सही बात है। सेम चीज़ अपन y के साथ भी करेंगे, तो यहाँ पे y डैश ले लेते हैं इक्वल टू y प्लस कितना है भैया TY, बराबर है? वो TY अपन ने डाल दिए यहाँ पे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी अपनी इक्वेशंस जो है वो यहाँ पे हमें मिल चुकी हैं। अब यहाँ पे ये जो दो इक्वेशन अपने पास आई है इसको मैं थोड़ा जनरलाइज करने की कोशिश करता हूँ। देखो यार, यहाँ पे x डैश y डैश क्या है, पॉइंट ही है, xy क्या है, पॉइंट ही है, बराबर है? तो अपन क्या करते हैं, इसको देते हैं A नाम। बराबर, ये मेरा पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, और ये पॉइंट जब आपका रीपोजिशन हो जाएगा टू द कोऑर्डिनेट x डैश y डैश, तब अपन इसको बोलते हैं लेट्स कंसिडर A डैश, सही बात है। तो अपने को A से A डैश तक जाना है, मतलब एक तरीके से ये ट्रांसलेशन जो है, रीपोजिशनिंग जो है, ये अपने को परफॉर्म करना है। तो उसके लिए अपने पास पॉइंट्स हैं और उन पॉइंट्स के नाम है A और A डैश रिस्पेक्टिवली। तो अपन क्या कर सकते हैं, x डैश y डैश को कैसे लिख सकते हैं, सिंपली A डैश, बराबर है? A डैश इक्वल टू x और y, ये पॉइंट है, पॉइंट का नाम क्या है A, तो वो A ले लिया, प्लस TX TY, तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, T बोल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अपने को ये फॉर्मूला मिल चुका है, आगे क्या करना है, इसको सिर्फ देखते रहना है नहीं, इसको वापरना है, इसको यूज करना है टू सॉल्व सम ऑफ द
2D ट्रांसलेशन न्यूमेरिकल्स। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ रिगार्डिंग दिस रिस्पेक्टिव पॉइंट, जिससे कि सारी तमाम बातें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। लेट्स कंसिडर, यार देखो अपना ये पॉइंट ए है, इसकी ओरिजिनल पोजिशन जो है क्या है, एक्स कॉमा वाई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ वैल्यूज डाल देता हूँ, लेट्स से एक्स जो है 3 है, y जो है 4 है, कुछ इस तरीके से, बराबर है। अब इस पॉइंट को मुझे यहां तक लेके जाना है, रिपोजिशन करना है, ओके, a डैश। अब उसका x डैश और y डैश मेरे को पता नहीं है, मुझे वो पता करना है, और उसके लिए ty और tx जो है इसकी वैल्यूज दी हुई है। लेट्स से tx की वैल्यू है 4 यूनिट्स, कितनी 4 यूनिट्स, और ty की जो वैल्यू है लेट्स से 5 यूनिट्स। तो यहां पे अपने इस क्वेश्चन का मतलब क्या बनता है कि भैया ये ओरिजिनल पोजीशन है अपने पॉइंट ए की 3, 4, और उसे अपने को पहुंचाना है, रिपोजिशन करना है टू एक्स डैश कॉमा वाई डैश। और इसके लिए आपको जो अंतर, जो डिस्टेंस तय करना है, वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस कितना है 4 यूनिट का, एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सेस कितना है 5 यूनिट का। अब इसे कैसे हम लोग परफॉर्म करेंगे, ये जो एक्स डैश वाई डैश की वैल्यूज है कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो भैया ये कब काम आएगा, यही तो मैं बोल रहा था कि इसका इस्तेमाल अपने को अभी करना है। तो यहाँ पे a डैश जो है वो मुझे फाइंड करना है, यानी क्या x डैश y डैश ये फाइंड करना है। तो उसे अपन ऐसे लिख सकते हैं x डैश y डैश, मतलब यहाँ पे अपन जो है अभी मैट्रिक्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये कौन सी मैट्रिक्स है, सिंपल सी मैट्रिक्स है जहाँ पे 2 रो है और 1 कॉलम है, जिसे अपन बोलते हैं 2x1 मैट्रिक्स। 2 रो है और 1 कॉलम है, 2x1 मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैट्रिक्स का भी इस्तेमाल अपन करने वाले हैं, इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करने वाले हैं, और जो फाइनल रिजल्टेंट होगा वो होगा a डैश के कोऑर्डिनेट्स, बराबर है, अपने सामने होंगे आंसर के रूप में। तो वो कैसे किएंगे करेंगे अपन, तो यार देखो इसके लिए अपने को जो a है उसे भी कुछ इसी फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो ए, उसके कोऑर्डिनेट क्या है भैया, 3, 4, तो पहले एक्स फिर वाई लिखना है, सही बात है, तो ए पता चल गया अपने को। फिर उसके बाद टी, टी क्या है, टी एक्स क्या है, टी वाई, तो अपन क्या करेंगे उसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, एक्स फिर वाई, टी एक्स फिर टी वाई। तो यहाँ पे एक्स, टी एक्स कितना है 4, और यहाँ पे टी वाई कितना है 5, सिंपल सी बात है, ये दो चीज़ें मिल गई। तो ए मिल गया है, टी मिल गया है, ए डैश निकालने में कौन सी दिक्कत है भैया, ये फॉर्मूला अपने सामने है। तो ए डैश क्या होगा, इट विल बी नथिंग बट 3, 4 + 4, 5। अब यहाँ पे मैट्रिक्स एडिशन करनी है, अब मैट्रिक्स एडिशन करने के बाद रिजल्टेंट क्या मिलेगा, 3 + 4 = 7, 4 + 5 = 9, सिंपल एज दैट, बराबर है। तो अभी अपने को a डैश मिल गया। अब a डैश क्या है, x डैश कॉमा y डैश, मतलब ये वाला जो है भैया ये x डैश है और ये वाला जो है वो y डैश है। तो अपन अभी यहाँ पे लिख सकते हैं x डैश है मेरा 7 और y डैश है मेरा 9, कुछ इस तरीके से जो है अपन ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया।